आज बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो एडिटर एप्लीकेशन की जो काइन मास्टर और इनशॉट की तरह आपको चाइनीज नहीं है। ये एप्लीकेशन इंडियन है और ये बिना किसी वाटरमार्क के है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने वीडियो को HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिना किसी वाटरमार्क के। या इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको एड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर आप उसमें एडिटिंग नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अपनी वीडियो को ऐड करके आप उसमें इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर से हम वीटा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे हम इसे अलाउ करेंगे और अटेंशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड टेम्पलेट का ऑप्शन आ गया है। टेम्पलेट, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है आपको कि टेम्पलेट में आप वीडियो की एडिटिंग इजी और फास्ट कर सकते हैं। चलिए आइए, मैं पहले आपको टेम्पलेट्स के बारे में बता देता हूँ। टेम्पलेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ट्यूटोरियल, पॉपुलर, फोटो MV मास्टर टाइप का बनाना हो, या इंस्टाग्राम के लिए कोई वीडियो बनानी हो, यूट्यूब इंट्रो के लिए कोई वीडियो बनानी हो, ब्लॉग, फनी, लव, इवेंट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो आपको चूज़ करूँगा और ये भी दिखाऊँगा कि ये कैसे इसमें आप बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो दिख रहे हैं और अब मैं आपको एक वीडियो लेके चूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ले लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ नाउ पे क्लिक करके आप यूज़ नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यूज़ नाउ पे क्लिक करने के बाद ये अपलोड होगा। दोस्तों, यहाँ पे अपलोड होने के बाद आप किसी भी एक वीडियो को आप यहाँ से चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए, मैं यहाँ पे एक वीडियो अपनी चूज कर ले रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। यहाँ से आप चाहे तो इसको आप लॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं वीडियो को। दोस्तों, अच्छी बात ये है कि यहाँ से आप स्क्रॉल करके आप चाहें जो सी भी आपको लेना है वीडियो, स्क्रॉल करके आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेम को आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप टेम्पलेट का यूज़ करके आप इजली अपनी वीडियो को फास्ट और इजी तरीके से आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हम इसे क्लिक करेंगे और वीडियो गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी। दोस्तों, चलिए आइए, अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अब इसे कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सबसे पहले कोई एक वीडियो को चूज़ कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो चूज़ कर ले रहा हूँ। अगर आप दो वीडियो चूज़ करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन फिर से क्लिक करेंगे, वहाँ पे दो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। दो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अपलोड होगा और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसे रेशियो में सिलेक्ट करेंगे। रेशियो में यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, जो टूल्स टाइप के ऑप्शन हैं, जिसमें आपको एडिट, रेशियो, इफेक्ट, टेक्स्ट, स्ट्राइकर एंड म्यूज़िक के बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रेशियो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे रेशियो दिए गए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए 1:1 एंड 4
4:5 का और यूट्यूब्स के लिए 16:9 की और टिकटॉक्स वगैरह के लिए आपको 9:16 की रेशियो दी गई है। यहाँ पे मैं 16:9 की रेशियो चूज कर ले रहा हूँ। 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप यहाँ से इसे घटा और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसे स्पीड, जैसे कि यहाँ पे स्प्लिट करके आप बाकी वीडियो को स्लो मोशन करना चाहें तो आप स्लो मोशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्लो मोशन किया हुआ है और आपको प्ले करके दिखा भी देता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लो मोशन हो गई है। इसके बाद अगर मैं इसे रिवर्स करना चाहूँ तो रिवर्स भी कर सकता हूँ। अगर इसकी वॉल्यूम को हाई करना है तो इसे मैं हाई भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर 100 पे है तो ये नॉर्मल वॉइस होगी, अगर 200 पे कर देंगे तो इसकी वॉइस लाउड हो जाएगी। यहाँ से आप वीडियो को कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि अगर आपने वीडियो, एक ही वीडियो को दो बार प्ले करना है तो वीडियो को सिलेक्ट करके आप कॉपी कर देंगे तो कॉपी वीडियो हो जाएगा। यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन चूज़ करके, अगर वीडियो में डिलीट का ऑप्शन करना चाहते हैं या आप स्प्लिट का ऑप्शन करके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्प्लिट का फिर से ऑप्शन दबाया और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैंने डिलीट का ऑप्शन दबाया तो ये डिलीट हो गया। यहाँ से मैं रोटेट भी कर लूँगा। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वीडियो रोटेट भी हो जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पे डिग्री भी दिया है 15-15, 90-90 वगैरह। मिरर में आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, फ्लिप करेंगे तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी वीडियो में बहुत सारे इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट पे जाएंगे, इफेक्ट अपलोड हो रहा है। दोस्तों यहां से बहुत सारे इफेक्ट आप लगा सकते हैं, जैसे कि ब्लर का है, जूम का है। यहां पे जैसे यहां से जूम अगर आप करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में करना चाहते हैं जैसे रिकॉर्ड के ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड के फ्रेम आ गया है। यहाँ से फ्रेम बहुत सारे चूज कर सकते हैं आप, बहुत सारे DSLR के वगैरह, रिकॉर्डिंग के नियॉन कैमरा वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप बहुत सारे जैसे ऑप्शंस अगर लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। मोशन अगर देना चाहें तो आप मोशन भी दे सकते हैं, जैसे वहां पे आप जूम कर दीजिए। स्प्लिट का ऑप्शन करके आप बीच में अगर जूम देना चाहते हैं किसी चीज को तो वहां से आप जूम वगैरह भी दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप इसे फिर से हटाना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर दीजिए, या तो अगर आप इसे डबल करना चाहते हैं तो आप कॉपी का ऑप्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप कॉपी का ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे जूम का ऑप्शन डबल हो जा रहा है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से अगर चाहें तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर वीडियो में आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से आप फॉन्ट चूज़ करना चाहें तो फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं। आप इटैलिक, बोल्ड, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कलर देना चाहते हैं तो इसमें आप कलर भी दे सकते हैं। स्टाइल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं। आप चाहे तो पिंक, रेड, मिंट, कैप्शन, इमोजीज वगैरह, स्टडीज, कुछ भी आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन भी आपको दिया है। एनिमेशन में आपको जिस तरह का आप देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो टाइप किया हुआ है उसको देखिए, मैं यहाँ पे आप स्क्रोल होके आ रहा है।
इस तरह से दोस्तों अगर आप इसे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, एनिमेशन कॉपी करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, या स्टाइल में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप स्टाइल भी इसकी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक क्लासिक स्टाइल वगैरह भी करके दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप इसके कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टिकर भी लगा सकते हैं, इमोजीज वगैरह के या रिकॉर्डिंग वगैरह के, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं इजली। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसमें अगर म्यूजिक डालना, तो आप अगर बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने मोबाइल से अगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टीवी वगैरह के आपको मिल जाएंगे। कैमरे का फोकस, जैसे कैच करने पे फोकस आता है, उस तरह के आप भी म्यूज़िक यहाँ पे डाल सकते हैं। शटर की भी म्यूज़िक डाल सकते हैं। आप टाइपराइटर से रिलेटेड कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे डाल सकते हैं। डिवाइस पे जाके आप अपने गैलरी की कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वीडियो। और अगर वीडियो से अगर कोई रिलेटेड म्यूज़िक डालना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पे आप डाल देंगे तो वीडियो की भी म्यूज़िक आपको वहाँ से सेट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप अपनी वीडियो में फ़िल्टर का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना हो, तो यहाँ से आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये स्केल का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को जूम इन आउट भी कर सकते हैं, या आप जैसे चाहें इसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे भी करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब इफ़ेक्ट्स बहुत बढ़िया है दोस्तों, यहाँ तक कि ये एप्लीकेशन आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या ट्यूटोरियल कुछ बनाते हैं तो आपको ये ऐसे यूज़ करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर मन में कुछ है या आप मुझसे एडिटिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप यही वीडियो मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो परवेश टेक्निकल के नाम से पेज है, उसे भी सर्च करके लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए।